भाई इतना लंबा पेडेस्ट्रियन वॉक पे बना हुआ है रोड के ऊपर। ऑल्सो आप इस साफ सफाई देखो नीचे, देखो भाई रोड में आपको कहीं भी कुछ गड्ढा फुड्ढा दिख रहा हो। एवरेज लिविंग कॉस्ट क्या है शंघाई का? इट्स अराउंड $2,500 USD। अरे बाप रे, कैमरा भी नहीं जा रहा भाई। ये जो बिल्डिंग सबसे ऊंची बिल्डिंग है पूरे शंघाई में, तेरी की भाई। ये है रोबोट कैफे नैनजिंग स्ट्रीट पे, मतलब कोई बंदा नहीं है इसके अंदर, जो बोलोगे अपने आप बन जाएगा। पूरा एनिमे का मॉल बना दिया इन्होंने, देखना भाई ये कोई डोरेमोन हाउस है। वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स, मैं हूँ अभी द बंड या बुंड जो भी बोलो, मैं हूँ अभी शंघाई में। जो वो फेमस स्काईलाइन आपने शंघाई की हमेशा से देखी होगी वो यही है द बंड। ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब एंड आपके सपोर्ट से ही आज मैं कुछ चंद वीडियोस बना पाता हूँ। सो मेरे पीछे देख लो, ये पूरा एरिया है। ये रही हमारी ज़ीब्रा क्रॉसिंग और वो है द बंड का फेमस स्काईलाइन। ये देखो भाई बिल्डिंग्स कितनी ज्यादा कमाल की लग रही हैं। आपको लिटरली फीलिंग आएगी जैसे आप कोई यूरोप की सिटी में हो। बहुत कमाल का एरिया है। मैं अभी आ रहा हूँ नैनजिंग स्ट्रीट से वॉक करते हुए, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट जो है नैनजिंग की, और अभी चाइनीज न्यू ईयर चल रहा है तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। ये देखो ये स्ट्रीट कितनी ज़्यादा यूनिक लग रही है, मतलब मैं कभी गया नहीं हूँ यूरोप बट जो मैंने फोटोज़ में देखा है वैसा मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। अभी तो वॉक करने में ही मज़ा आ रहा है। अब जो है मेरे पास अली पे है, ये आ गए हम द बंड में। दिस इज़ द फेमस स्काईलाइन ऑफ शंघाई एंड भाई बहुत कमाल की लग रही है। हम यहाँ पे थे नैनजिंग स्ट्रीट में और दिस इज़ शंघाई स्काईलाइन, ठीक है। और पीछे मेरे देखो गाइस क्या स्काईलाइन है, और बहुत ठंडी हवा आ रही है इधर से। एक और चीज़ बताऊँ तो ये एरिया इतना ज़्यादा प्राइम है कि इसकी सेफ्टी के लिए ड्रोन्स भी उड़ रहे हैं, काफ़ी ड्रोन्स मतलब देख सकता हूँ, ड्रोन्स भी उड़ रहे हैं। मे बी फॉर द सेफ्टी, गवर्नमेंट के ही ड्रोन्स होंगे वो। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विज़िट करते हैं और वाकई में ये जगह बहुत कमाल की है एंड रात में तो ये जगह और भी अच्छी दिखती है। पे हर जगह कैमरे मिलेंगे आपको भाई, और ये देखो हर जगह चाइना के फ्लैग हैं। और सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है इस जगह में, एज आई सेड कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है ये शंघाई की। तो मैं कल ट्राई करूँगा कि हम उस साइड जा पाएँ। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो सबसे लंबी बिल्डिंग है शंघाई की, वो सबसे ऊँची वाली। और मैंने ना बीजिंग में ऐसी कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं देखी, मतलब बीजिंग बहुत फैला के बना हुआ है। जितना ज़्यादा काम होता है कमर्शियली या पैसों का लेन देन वो सब शंघाई से होता है। जैसे अपने आप बॉम्बे है, मुंबई इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल, वैसे शंघाई इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल। यहाँ पे आपको ऊँची ऊँची बिल्डिंग और सब कुछ, जैसे एक और शहर है चोंगडू करके, एक है गुआंगझू या फिर हो गया अपना शेंजेन, यहाँ पे आपको ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स मिलेंगी। लेकिन बीजिंग में वैसा नहीं है, बीजिंग कल्चरल कैपिटल है, वहाँ पे ऑथेंटिक चाइनीज कल्चर मिलेगा आपको। अच्छा एक चीज़ मैंने जो नोटिस की चाइना में, यहाँ पे भी ना लोगों में सब्र नहीं है बिल्कुल भी। हमारे यहाँ भी होता है ना कि भाई ट्रैफिक में गाड़ियाँ घुसेड़ देते हैं, ट्रेन जैसी स्टेशन पहुँचती है वैसी भाई एकदम भसड़ लगाते हैं बाहर निकलने के लिए। सेम प्लेन्स में भी मैंने देखा जब मैं बीजिंग आया था, फटाफट निकल जाएंगे। जैसे जापान में क्या था ना, लाइन तो यहाँ पे भी लगती है, डिसिप्लिन है, सब्र शक्ति कम है, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह लग रहे हैं मुझे सारे आगे तक। हेलो I'm a YouTuber actually. I make videos on YouTube. My name is Fan Jinghua. Okay, myself Harry. Hello. Hello. Okay, let's take a picture. Welcome to China. Okay, where are you from? Fan Jinghua, Shanxi. Okay, China. Shanxi. Okay. Okay, nice. Thank you. You want to take a picture? Yeah, sure. Yeah. Let's take a picture. 在那，我给你录，快点。 Thank you. Bye. यहाँ पे भाई फॉरेनर्स को ना भाई अलग ही इज्जत टाइप की मिलती है, और यहाँ पे ना इंडियंस को हिंदू के नाम से जानते हैं। आप बोलोगे ना मैं हिंदू, मतलब इन लोग यही समझते हैं कि आप इंडियन हो। हिंदू जब आप बोलोगे ना हिंदू तब समझ जाएंगे कि अच्छा इंडिया। भाई यहाँ पे ना मतलब फॉरेनर्स को एक बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और आगे फोटो वोटो लेके गए जैसे इनके लिए कोई सेलिब्रिटी जा रहा हो। तुम्हारे इंडिया में भी तो होता है जब कोई अंग्रेज पास होता है तो मतलब देखते ही हैं लोग, यहाँ पे भी सेम हाल है, बल्कि यहाँ ज़्यादा है। आई थिंक यहाँ से कोई इंटरनेशनल जाती होंगी शिप्स वगैरह, मे बी मकाओ वगैरह के लिए यहाँ से शिप जाती होगी। तो भाई शाम को यहाँ माहौल कुछ देखो ऐसा होता है।
next to rock like Mick Foley. ये ना कोई देखो पेप्सी की दुकान है, पेप्सी के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। एक तो मुझे दिख रहा है लेमन फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, देखो शिनशान भी बना हुआ है इधर, शिनशान और नोहारा फैमिली बनी हुई है अंदर। तो हाँ यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोग शौकीन है। यहाँ पे ना घड़ियों के बहुत ज्यादा शोरूम है। देखना भाई ये तो पूरा एनिमे रेस्टोरेंट है पूरा का पूरा। ये है हमारा नेक्स्ट डे और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा नाश्ता करने के लिए मैकडॉनल्ड्स में। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अभी हमको उस साइड जाना है रोड पे, तो पेडेस्ट्रियंस के लिए ना इन्होंने यहाँ एस्केलेटर भी दिया हुआ है। तो इस एस्केलेटर से हम जाएंगे ऊपर एंड घूम के सीधा वहाँ निकल जाएंगे। आप इस वीडियो में देखते रहो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर ये कितना आगे आ चुका है। चाइना को लेके बहुत लोगों के ना बहुत अलग टाइप के कंसेप्ट हैं, बिकॉज पहली चीज़ तो यहाँ पे एज ए सेट उतना मीडिया वगैरह अलाउड नहीं है ना, तो उस चक्कर में गूगल वगैरह है नहीं, हम ज़्यादा जान नहीं पाते। दिस इज शंघाई। इस सिटी की जो GDP है वो 1 trillion के आसपास है। सिर्फ इस शहर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस पर्टिकुलर शहर की जो GDP है। कितना साफ है, एक भी कचरा ढूंढ के दिखा दो मुझे कहीं पे भी, मैं मान जाऊंगा। और अगर आपको नीचे जाना है तो एस्केलेटर भी दिया हुआ है और यहाँ पे लिफ्ट भी दी हुई है, हम लिफ्ट से जाएंगे नीचे। और यहाँ पे ना आपको हर जगह साइकिल्स ही साइकिल्स मिलेंगी और सारी गाड़ियाँ यहाँ पे ईवी हैं और बसेस भी ईवी हैं। ये देखो ये ट्रैम देख रहे हो यहाँ पे, ये ट्रैम और बस का कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन है, ये भी पूरी ईवी है। और रोड्स देखो यहाँ पे भाई, अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जैसे यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। अभी तक जो मैं एक्सपीरियंस रहा है तो एक अंकल थे, मतलब वो लिफ्ट में ना सिर्फ ओल्ड सिटीजन अलाउड थे, तो मैं देख के हट गया वहाँ से। मेरे को लगा सिर्फ ओल्ड लोग अलाउड हैं, मैं क्यों जा रहा हूँ। तो भाई मैं हट गया वहाँ से, उन्होंने एंटर करे लिफ्ट वो अंकल, उन्होंने लिफ्ट रोक ली। 2 मिनट वो लिफ्ट रोके रहे मेरे लिए, कहते कि प्लीज़ कम करके। पता नहीं कोई तो मोमो रेस्टोरेंट पता नहीं क्या है, कुछ तो है भाई, इतना रश है भाई। सो ये आप पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट देखो, इतनी साफ और कितनी कमाल की लग रही है। ऑल्सो चाइना में ना कपड़ों का भाई बहुत बड़ा मार्केट है। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मार्केट हम देखेंगे ही, बट कपड़ों का भी बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आपको जगह जगह पे कपड़े बहुत मिल जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे ना आप एप्पल मैप्स यूज़ करना, एप्पल मैप्स में ही आपको मतलब सब कुछ एक्यूरेट दिखाएगा। और जो एप्पल मैप्स हैं वो तो बिना VPN के भी चल जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही लीगली मतलब अलाउड है। तो अभी आप ये बिल्डिंग देखो, ये बिल्डिंग देखो, कम से कम ये 100 फ्लोर के ऊपर की बिल्डिंग होगी। और मैं जैसे ऊपर देख रहा हूँ ना भाई, मुझे चक्कर आ रहे हैं ऊपर देख के, इतनी लंबी बिल्डिंग है ये, ट्रैम्प जिसको बोलते हैं। देखो भाई कितना कमाल कोई आ गई ट्रैम्प। आज से 25-30 साल पहले ये हाल नहीं था चाइना का, ये अभी 25-30 साल में मतलब इतना कुछ हो गया। 1950s में 3 कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग हुई थी, एक तो इंडिया और एक आपको पता है अपना दूसरा पड़ोसी और चाइना। तो तीनों के हाल एक जैसे थे, इकोनॉमी वाइज, गरीबी वाइज, सब एक जैसा था। 1975-1980 के बाद चाइना ने भाई गेम बदल दिया, वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। हम कुछ कामों को बहुत छोटा मानते हैं, यहाँ पे ना कुछ ऐसा नहीं है कि कोई काम बड़ा हो कुछ छोटा हो, सारे काम हर कोई करते हैं और उसको बड़ा छोटा नहीं मानते। तो तभी यहाँ पे स्किल्ड लेबर की कमी नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो भी स्किल्ड लेबर होता है ना उसका करियर चेंज करने के लिए कई बार पेरेंट्स बोलते हैं भैया तुम ये मत बनो वो मत बनो। मुझे लगता है कि हमें जितने भी हमारे इंडिया के स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना भी चाहिए, हमको भी करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इंडिया से और भी बड़ी MNC कंपनीज निकलें, एप्पल हो गया या फिर तो ऐसे भी इंडिया की भी कंपनीज बहुत सारी होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड आगे बढ़ें। बट हमारे यहाँ 90% बिजनेसेस जो हैं हर साल फ्लॉप हो जाते हैं, ये डेटा है बेसिकली, मैंने ऑनलाइन कहीं रीड किया था। भाई ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, तब मैं आपसे मिलता हूँ फिर। तो ये 3 चिकन स्ट्रिप्स ली है मैंने, मुझे लगभग पड़ी 600 रुपये की, और ये डाइट कोक ली है, तो खाते हैं इसको, यही अपना खाना है। और यहाँ पे आप जैसे ही अली पे बुक करोगे ना, मतलब 1 सेकेंड नहीं लगता और कैब आ जाती है। एक्सक्यूज़ मी, ये आ गई हमारी टैक्सी। नहीं हाँ, ऑल्सो यहाँ पे आप कैब बुक करोगे ना तो कैब के पिकअप पॉइंट्स आ जाएंगे, उस पिकअप पॉइंट पे जाओगे तभी कैब आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं कहीं भी बुक कर दी और कहीं भी आ जाए, इनके पिकअप पॉइंट्स थोड़े थोड़े बने रहते हैं, मतलब 100-200 मीटर दूरी होंगे। ये अंडर वाटर ब्रिज है पूरा का पूरा, पानी के नीचे बनाया है ये ब्रिज। आप ये बिल्डिंग देखो, अरे बाप रे, कैमरा भी नहीं जा रहा भाई। ये जो बिल्डिंग सबसे ऊंची बिल्डिंग है पूरे शंघाई में, और ये वही स्काईलाइन है जो आप कल देख रहे थे। अरे
तेरी की। ये थर्ड या फोर्थ लॉन्गेस्ट बिल्डिंग होगी पूरे वर्ल्ड में, बहुत ही ऊंची है, कैमरा ही नहीं जा रहा। ये आ गए हम शंघाई टावर, और ये जो है ना मतलब पूरे शंघाई की सबसे लॉन्गेस्ट बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग की ऊंचाई है कुछ 630 या 40 मीटर और बुर्ज खलीफा जो है वो है 830 मीटर शायद, नॉट श्योर, 200 मीटर ज्यादा ऊंचा है। आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी पूरी दुनिया में। और देखना ये तो कोई चाइनीज कंपनी की गाड़ियां हैं, आई एम नॉट श्योर, पर चाइना में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है कार्स की, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको शंघाई टावर जाना है कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ कितने पैसे लगेंगे। ये कुछ व्यू है ऊपर से, तो 268 युआन तो बहुत ज़्यादा प्राइस है भाई। मैं तो ना जा रहा इस बिल्डिंग में, लेकिन भाई इसकी फ़ोटो तो मैं लूँगा। पर बहुत ऊँची है यार, ये देखो भाई कमाल का है ना इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखो ये गोल्ड कलर का पता नहीं इन्होंने कुछ बनाया है ग्राउंड फ्लोर, मेरी मुंडी ना लचक रही है। चाइना इज़ नोन फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको ऊपर जाना है ना तो आप यहाँ से जा सकते हो, टॉप ऑफ शंघाई ऑब्जर्वेटरी एंट्रेंस। तो शंघाई टावर इज़ द थर्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। मुझे लग ही रहा था भाई इतनी ऊँची है भाई कुछ ना कुछ तो मतलब। स्टारबक्स रिजर्व जो होता है वो एक हायर कैटेगरी होती है स्टारबक्स में, एंड जो रिजर्व रोस्टरी होता है, जो मैं टोक्यो में गया था आपको याद होगा, तो अगर आपने मेरी वाली रील देखी है इंस्टाग्राम पे, तो उसमें मैंने कहा था कि रिजर्व रोस्टरी वर्ल्ड में सिर्फ 7 है, जिसमें से एक टोक्यो में था और दूसरा शंघाई में था और तीसरा फिर बाकी सारे अमेरिका में है। तो शंघाई में भी रिजर्व रोस्टरी है, आप बोलोगे कमेंट करोगे तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। ये ना शंघाई टावर के अंदर ही का मेट्रो वगैरह भी है। तो यहाँ पे मैकडोनल्ड्स बहुत ज़्यादा है, KFC बहुत है, दोनों बहुत है, लेकिन यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर कम है मतलब कंपेयर टू जापान या फिर कोरिया। बाकी सब तो मैकडोनल्ड्स की KFC बहुत ज़्यादा है। ई रेस्टरूम्स भी हैं, मतलब ये जो रेस्टरूम्स हैं इसको आप मूव कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये ई व्हीकल्स तो बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और ये जो डिलीवरी वाले बंदे होते हैं ना ठंड के टाइम पे ही अपना आपको पूरा ढक लेते हैं। ये देख रहे हो जो अपना हैंडल के ऊपर इन्होंने बांधा हुआ है पूरा मफलर जैसा कुछ, वो इसलिए ताकि ठंड से बच पाएं। और रात में ये माइनस डिग्रीज में भी डिलीवरी करते हैं, चाहे वो शंघाई हो या बीजिंग हो। तो ये जो है ये पुडोंग एरिया है जहाँ पे मैं हूँ, को फाइनेंशियल स्ट्रीट टाइप का आप कह सकते हो। शंघाई जो है ना भाई फेमस है अपनी स्काईलाइंस के लिए, यहाँ की स्काईलाइंस वर्ल्ड फेमस है। मैंने देखी है स्काईलाइन, दुबई मुझे बहुत मस्त लगती है स्काईलाइन पे, और आई वुड कीप शंघाई, शंघाई और दुबई दोनों को मैं बराबर रखूंगा। और ये देखो भाई ये कोई गाड़ी जा रही है पोर्श, मतलब यहाँ पे आपको लग्जरी कार्स स्पोर्ट्स कार्स बहुत ज्यादा मिलेंगी, और लगभग सभी अमीर हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारे बैंक्स हैं जहाँ पे आपका कार्ड नहीं चलेगा, बट ICBC में जरूर चलेगा। तो मेरा वीजा का है, मेरा कार्ड यहीं चल रहा है। तो अगर जैसे मैं आपको बता दूंगा ना कि यहाँ पे चल रहा है करके, तो वहीं से आप निकाल सकते हो पैसे अगर आप चाइना आ रहे हो तो। ICBC में ज़रूर चलेगा। तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ शंघाई में नहीं चला था, बैंक ऑफ चाइना में नहीं चला था। तो ये कोई तो अपार्टमेंट है थॉमसन रिवरिया, आप प्राइम लोकेशन पे अपार्टमेंट होगा। सामने से जो बंदा लेगा यहाँ पे घर उसको शंघाई टावर दिखेगा यहाँ से। ऑल्सो चाइना की बहुत बड़ी पॉपुलेशन सिटीज़ में आके रहती है, मतलब गांव में बहुत कम ही लोग रहते हैं, वो मतलब आ जाते हैं माइग्रेट करके सिटीज़ में, तभी यहाँ पे जो मेगा सिटीज़ हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 23-25 हैं यहाँ पे मेगा सिटीज़। और जितने भी गांव के भी होते हैं ना वो सिटी आ जाते हैं कमाने के लिए, जैसे मान इंडिया में भी होता है। तब अगर आपको बात करूँ मैं टेक्नोलॉजी की, तो जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट्स में भी ना आपको पासपोर्ट बस दिखाना होता है, और आपका जो मतलब टिकट अगर नहीं भी है सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करोगे उसी में आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तो आप लोगों का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि भाई एवरेज लिविंग कॉस्ट क्या है शंघाई का, तो एवरेज लिविंग कॉस्ट इज़ अराउंड $2,500 USD, लगभग 2 लाख के ऊपर। थोड़ी महंगी सिटी है GDP वाइज, जैसा कि मैंने बोला सबसे ज़्यादा टॉप पे आती है चाइना में। दूसरी चीज़ मुझे एक चीज़ की हैरानी होती है भाई, इनकी पॉपुलेशन अपने इंडिया जितनी है, उसके बावजूद भी शंघाई का अगर आप पोल्यूशन लेवल चेक करोगे आज की डेट में तो बहुत ही कम पोल्यूशन है, ग्रीन जोन में आता है शंघाई। और ये मतलब देख के मुझे बहुत हैरान करता है, और उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि देखो यहाँ पे सब लोग साइकिल चलाने लग रहे हैं, यहाँ की 80% गाड़ियाँ ऑलरेडी EV में आ चुकी हैं, इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं, और इनका ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरा बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इसकी वजह से यहाँ पोल्यूशन ही नहीं है। अच्छी हवा लेना कितना ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, ये मतलब आपको भी समझ में आता होगा। जैसे मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं और मुझे छींकें बहुत स्नीक्स बहुत आती हैं, जिस कंट्री में पोल्यूशन ज़्यादा रहता है वहाँ पे लोगों को सर्दी हमेशा लगी रहती है, आप देखोगे कफ रहती है, कोल्ड रहता ही है नॉर्मली, तो वो हमारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, कई बार वो पोल्यूशन की वजह से जो है ये सब चीज़ें वो हो जाती हैं। जब मैं जापान में था, वैसे यूजली मैं डेली एलर्जी की मेडिसिन लेता हूँ, बट जब मैं जापान गया 15 दिन भाई मेरी मेडिसिन छूट गई पूरी, मतलब जो मैं एक साल से ले रहा था मॉन्टेक एलसी मेरी दवाई छूट गई, एक छींक नहीं आई मुझे 15 दिन। तो ये फ़ायदा होता है जब पोल्यूशन ना हो, और इन्होंने इतनी ज़्यादा
पॉपुलेशन को बिना पोल्यूशन के रखा हुआ है, ये तो भाई हैरानी वाली बात है मेरे लिए। खाने पीने का थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। जापान में मैंने देखा था कि वीगन रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे वीगन रेस्टोरेंट्स नहीं है, वो मुझे एक डिसएडवांटेज लगता है। एक चीज़ इन्होंने और की जो मतलब दुनिया में हर कोई बात करता है, वो ये कि इन्होंने ना बिजनेस लॉज बहुत आसान कर दी अपनी कंट्री में। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे व्यापार जो थे वो इजीली ग्रो कर पाए, ये इनकी मेन स्ट्रैटेजी थी। और ऐसा होना भी चाहिए आई थिंक सारी कंट्रीज़ में, बिजनेस लॉज को आसान करना चाहिए ताकि जितने व्यापार हैं वो ग्रो कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा चाइना का जो ऑफिशियल नेम है दैट इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनकी जो आर्मी है उसको भी पीपल लिबरेशन आर्मी कहते हैं, PLA, आपको पता होगा। ये देखो डिलीवरी वालों ने कैसे ये पूरा लगाया हुआ है स्वेटर टाइप का ताकि इनको ठंड ना लगे। और डिलीवरी वाले तो मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक में मिले हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हुए एक भी नहीं मिला मुझे, मतलब कोई पेट्रोल व्हीकल चला रहा हो, बाइक चला रहा हो। इतनी सारी साइकिल्स हैं, आई थिंक कोई ऐप होगा शायद, उसके थ्रू आप बुक करते हो इन साइकिल्स को। ये देखो QR कोड भी है WeChat या AliPay का, ये देखो WeChat या अच्छा दीदी ऐप से भी इसको बुक कर सकते हो आप इस साइकिल को, और दीदी ऐप से बुक करके चला सकते हो। पेमेंट आप AliPay के थ्रू कर सकते हो। आई थिंक अलग अलग कंपनीज की अलग अलग कलर की होंगी। और वो कितनी सारी साइकिल्स हैं यार, हर कोई यहाँ पे बच्चे अच्छे ना ट्यूशन व्यूशन इसी में जाते हैं साइकिल आइकिल में, WeChat के थ्रू ये बुक होती है। ऑल्सो यहाँ पे कैब वगैरह उतनी महंगी नहीं है, मतलब ठीक ठाक बोलूँगा, उतनी महंगी नहीं है जितनी जापान में थी, अफोर्डेबल है, बट लोग फिर भी यहाँ पे साइकिल आइकिल चलाते हैं बहुत। और ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग आपको हर जगह मिलेगी। ये था जहाँ पे हम आए थे, वर्ल्ड्स थर्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग। और ये बस स्टैंड्स देखो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगली बस कब तक आने वाली है, बस का नाम नंबर सब कुछ आ जाएगा इधर। तो भाई अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ये देखो रोड के ऊपर ही कोई पता नहीं पेडेस्ट्रियन वॉकवे बना हुआ है, और आपको एस्केलेटर्स तो हर जगह ही मिलेंगे यहाँ पे। देखना है कितना छोटू सा एस्केलेटर दिया हुआ है इन्होंने। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, इतना लंबा पेडेस्ट्रियन वॉकवे बना हुआ है रोड के ऊपर। बिलीव मी, रोड के ऊपर ये पेडेस्ट्रियन वॉकवे बना हुआ है। हमने फ्लाईओवर्स देखे होंगे हर जगह, बट रोड के ऊपर इतना लंबा पेडेस्ट्रियन वॉकवे, ये तो मैं भाई पहली बार देख रहा हूँ। फोटोजेनिक जगह है ये, यहाँ पे आप अच्छे से फोटो ले सकते हो, और रात में जगह और भी कमाल की हो जाती है जब वो टावर में लाइट जलती है ना, सो इट लुक्स मोर अमेजिंग। ऑल्सो आप ये साफ़ सफाई देखो नीचे, देखो भाई रोड में आपको कहीं भी कुछ गड्ढा फुड्ढा दिख रहा हो या फिर आपको गार्डन में कहीं कुछ कचरा दिख रहा हो, अलग ही दुनिया लग रही है ये। मैं आपको सही बताऊँ तो शंघाई को पर्ल ऑफ एशिया कहते हैं, मतलब इसका सेकेंड नेम है पर्ल ऑफ एशिया, क्योंकि इसको है भाई है बहुत दमदार बहुत मज़ेदार। पहला इंप्रेशन तो भाई मतलब बहुत ही एडवांस है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, तो इसलिए इन्होंने ट्रैश टेबल ऊपर भी रखा हुआ है। देखो मतलब डस्टबिन तो है नॉर्मली, पर उसके ऊपर ये स्मोक के लिए इन्होंने जगह अलग से दी है, क्योंकि लोग यहाँ स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसके लिए ट्रैश टेबल दी हुई है। तो हाँ ये मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आई थिंक मैंने यहीं देखा है। और ये पेडेस्ट्रियन वॉक पूरे आगे तक जा रही है, मतलब यहाँ से तो स्टार्ट हुई है पूरे आगे तक। ये देखो नीचे गड्ढा खोदा होगा इसके लिए, इसके रूट्स बहुत स्ट्रांग होंगे। बुर्ज खलीफा का भी जो बेसिकली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि उन्होंने बहुत डीप होल्स किए थे, जो रूट है वो बुर्ज खलीफा का बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है, तो उतना रिस्क नहीं है कि कुछ भी होगा उसको। ये वॉकवे ना सीधा मॉल के अंदर जा रहा है, ये अंदर जाके वहां से निकल रहा है, तो हम वहां से निकलेंगे। ये मॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो भाई, माल का मॉल है ये। अंदर से इंटीरियर देखो भाई, यहाँ के इसके रेस्टोरेंट्स देखो, ये कोई सुपर लग्जरी मॉल है। तो देखना ये कोई पेस्ट्री एस्ट्री शॉप है भाई, मतलब लग रहा है पता नहीं क्या ही बना दिया। कितना महंगा रेस्टोरेंट है, 298 yuan का कुछ था, अभी 3000 rupees की कोई डिश थी मैंने देखी अभी इधर। ये देखो भाई कुछ तो 68 yuan, मतलब कुछ 700 rupees की कोई डिश है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि अमेरिका और चाइना का कोल्ड वॉर चलता रहता है, दोनों पसंद नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड्स आपको मॉल में मिलेंगे, पूरे चाइना में मिलेंगे, मतलब बेसिकली चाइना का सिंपल सा फंडा है भाई, हम बिजनेस में कुछ अड़ंगा नहीं चाहते। तो इस मॉल के रूफ टॉप में रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, इस एरिया को बाय बाय बोलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई चाइना के मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन की टिकट कुछ ऐसी मिलती है, एंड दीज आर दी मेट्रो स्टेशन ऑफ चाइना। हर मेट्रो स्टेशन में आपको वेंडिंग मशीन्स मिलेगी, अगर पानी पीना हो कुछ पीना हो तो पी सकते हो। तो यहाँ से एंटर करते हैं, इसको आपको स्कैन करना पड़ेगा बस, और ये खुल जाएगा अपना। अंदर से कुछ ऐसे हैं मेट्रो स्टेशन। तो मैं हूँ भाई नानजिंग रोड में, और यहाँ पे रोड क्रॉस करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, पुलिस वालों को आना पड़ता है गाड़ियाँ निकलवाने के लिए। तो देखना भाई ये कोई डोरेमोन हाउस है भाई, डोरेमोन बना है, सारे कैरेक्टर्स बने हैं डोरेमोन के, जाके देखते हैं एक बार ये क्या है।
तो भाई अभी मैंने पूरी रील बनाई है डोरेमोन के घर पे। भाई इतना बड़ा डोरेमोन का शो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा यार, इट वाज ह्यूज। तो ये देखो भाई, ये है रोबोट कैफे नैनजिंग स्ट्रीट पे। मतलब कोई बंदा नहीं है इसके अंदर, जो बोलोगे अपने आप बन जाएगा। मतलब इसको पहले इंग्लिश करना पड़ेगा आपको, एंड यहीं से अली पे से पे हो जाएगा। भाई मशीन देखो भाई, कमाल का है ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर। सस्ती कॉफी है, अमेरिकनो सिर्फ 11 युआन की है। एवरीथिंग इज रोबोटिक ना भाई। कोई आइसक्रीम स्टोर आया हूँ मैं, क्या स्टोर बनाया है ये, कुछ तो मंगाया है। बड़ा फटका लगा भाई, महंगा तो है ये। देखना भाई रात में कितना बढ़िया लग रहा है यार नैनजिंग स्ट्रीट। और ये डोरेमोन का घर जो आपने अभी देखा रील में, इतना मस्त लग रहा है यार। Next to rock like Mick Foley, yeah. It's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly. On the keys like Tony, throwing subs, they get toast. पूरा एनीमे का मॉल बना दिया इन्होंने। ऊपर देखो तो ये पूरा स्टोर देख रहे हो ना, बड़ा सा भाई, जितना कोई शॉपिंग मॉल होता है उतना बड़ा यहाँ पे एनिमे का पूरा स्टोर ही है, भरा हुआ है भाई बच्चों से। और बाकी भाई बहुत सारे अडल्ट भी हैं जो यहाँ पे एनिमे के बहुत शौकीन है। देखो पोकेमोन कार्ड का, वो पोकेमोन का फोटो बना है भाई। बताओ पूरा मॉल बना दिया है, और स्क्रीन देखो गाइस इतनी बड़ी लगाई हुई है, क्या कमाल की चीज है ये। जो भी आप में से एनिमे के शौकीन है, ये देखो एवेंजर्स का भी बोर्ड लगा है, ये हो गया एवेंजर्स का, पोकेमोन भी है भाई। क्या क्या है यार, जो आपने कार्टून देखे होंगे ना बचपन में, सब मिलेंगे आपको यहाँ पे। देखना भाई ये कोई तो मॉल का इंटीरियर है। रात में तो आप फोटो भी नहीं खिंचा सकते, इतने सारे लोग हैं। कोई टैक्सी मिल नहीं रही थी तो मैंने ये वाली बुक करी। ये सेकंड बेस्ट टैक्सी है चाइना में, और सबसे बेस्ट बुक करोगे वो तो आपको फिर टेस्ला, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, भाई वो टॉप कैटेगरी की मिलेगी। पर ये भी देखो भाई कितनी लग्जरी कैब है, स्क्रीन इन लगा हुआ है, तो इसमें आप आराम से अपना ये IFE बोल सकते हो इसको।